अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इसके लिए आपको जो चाहिए होगा वो आप नोट डाउन कर लें। नमक हस्बे ज़ायका, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा कप दही, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 तेज़ पत्ते, हाफ टी स्पून लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 पीस दालचीनी के और 2 बड़ी इलायची, 4 अदद दरमियानी प्याज, 4 अदद टमाटर, 4 टेबलस्पून ऑयल, 4 अदद आलू, 2.5 प्याली चावल, 1/2 kg चिकन। सबसे पहले ऑयल ऐड करें और उसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लें। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए उसमें ऐड करें अदरक और लहसुन। साथ ही इसमें ऐड करेंगे चिकन। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए फिर इसमें ऐड करेंगे टमाटर और जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे वो इसमें ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने एक और मसाला ऐड किया है, 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, और दही ऐड करके अच्छे से मिक्स करें और फिर 5 मिनट के लिए कवर करके रख दें। 5 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं और टमाटर भी बहुत सॉफ्ट थे, और इसे इतना भूने के तेल अलग हो जाए, और फिर इसमें ऐड करें बॉयल्ड आलू, मिक्स करें। बिरयानी का मसाला तैयार है, फ्लेम ऑफ कर दें। यहाँ पर मैंने चावलों के लिए पहले से पानी बॉयल करने रखा हुआ था, अब इसमें ऐड करेंगे चावल। 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करें जिसकी वजह से चावल नहीं टूटते, और फिर इसमें ऐड करें नमक हसबे ज़ायका और साथ ही गरम मसाला ऐड कर दें। चावलों को हाफ बॉईल करें और फिर इसे स्ट्रेन कर दें, और इस स्टेप में 1/4 कप दूध ऐड करें, 1/2 टीस्पून केवड़ा और 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करके मिक्स कर लें, और फिर बिरयानी को तह लगाएं। तह लगाने के बाद 10 मिनट तक हल्की आंच पर दम के लिए रख दें। 10 मिनट्स हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ कर दें। अब इसमें हम कोयले का धुआं देंगे। इस स्टेप की वजह से टिक्का बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी तैयार है। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी की खुशबू आ रही है और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। ये टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।